साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ऐसी मिसाल पेश की राजस्थान के परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने। जिस तरह से उनके बिछड़े हुए साथी के परिवार को संबल प्रदान किया, क्या कहा परिवार के सदस्यों ने और क्या कहा अधिकारियों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहायता की मिसाल पेश की है। कोरोना काल में अपने बिछड़े साथी अरविंद कुमार वीरवाल के परिवार को संबल देने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक मिसाल पेश की है। इनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जरिए अरविंद वीरवाल के परिवार को 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा राशि का चेक प्रदान किया गया। लेकिन परिवहन विभाग के इन निरीक्षकों को राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं मिल पाया। परिवहन विभाग के कर्मचारी संघ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से परिवहन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना योद्धा के रूप में दर्जा देने की मांग की है। क्या कहना है अधिकारियों और परिवारजनों का? हमारे विभाग के परिवहन निरीक्षक श्री अरविंद वीरवाल कोविड योद्धा के रूप में संघर्ष करते हुए ईश्वर ने हमसे उन्हें छीन लिया था, तो उनके सहायतार्थ हमने परिवहन निरीक्षक संघ की तरफ से पूरे विभाग ने जो है सहयोग राशि इकट्ठा करके और प्रदान की गई थी। तो 10 लाख रुपए का जो चेक है वो आज माननीय मंत्री महोदय के हाथों से उन्हें प्रदान कराया गया। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है और हम पूरा परिवार उनको एक परिवार को हमारे परिवार के सदैव साथ हैं। आपका परिचय? प्रकाश सिंह राठौर, RTO उदयपुर। हमारी परिवहन निरीक्षण अरविंद वीरवाल जी का बहुत ही दुखद निधन हो गया, उसके लिए हमारा विभाग और हम सभी को बहुत ही संवेदना है। तो हमारे विभाग के जितनी परिवहन निरीक्षक के उप निरीक्षक सभी ने मिलकर एक सहायता राशि जुटाई, जिस सहायता राशि में 10 लाख रुपए उन्होंने जुटा के अरविंद वीरवाल की पत्नी और उनके बच्चों को सहायता दिया। व्यक्तित्व कर्मठ अरविंद वीरवाल ने उदयपुर में, मैं जैसे जिला परिवहन अधिकारी तो मेरे साथ भी उसने 2 साल काम किया और कभी भी किसी काम के लिए उसे मना ही नहीं की। बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्तित्व का धनी था, लेकिन आकस्मिक कोरोना से जब उसका निधन हुआ तो हम सब स्तंभ हैं। आज उसके परिवार के लिए हम सहायता कर रहे हैं और जितनी सहायता होगी वो हम करेंगे। उनकी वाइफ की नौकरी का है तो वो भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि विभाग में जल्दी ही उनकी नौकरी लग जाए और पूरा विभाग उनके साथ में है। वीरवाल साहब तो व्यक्तित्व तो बड़ा उनका सादा था, बड़े नेक थे और कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे। हमेशा उनके लिए उनकी ड्यूटी ही फर्स्ट थी। कोई भी कार्य, चाहे घर का हो, कोई फैमिली फंक्शन हो, फिर भी सबसे पहले ड्यूटी को ही उन्होंने आगे रखा है और हर काम को करने के लिए सबसे पहले उनमें यही रहता, ड्यूटी कर लूँ फिर घर, ड्यूटी कर लूँ फिर बच्चे। और इसी कारण बीमार होते, जैसे उनको हल्का सर्दी जुकाम था, टेस्ट करवाया, फर्स्ट उनका नेगेटिव आया, तो बस यही सोच के नहीं नेगेटिव है तो ड्यूटी करनी। मार्च का महीना था तो टारगेट इनका रहता है, तो उसके लिए ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर। इवन इन्होंने रेस्ट भी बहुत कम किया और ड्यूटी के लिए अपने आप को हमेशा अग्रणी रहा। कार्य के प्रति, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे, घर का हो, परिवार का हो या ऑफिस का हो, कोई भी कार्य हो, उनको किसी भी अधिकारी को उनसे शिकायत नहीं थी। इवन आप समाज के किसी भी पहलू में देख लीजिए, सामाजिक रूप से भी बहुत वो कार्यरत थे, समाज में भी उनका बड़ा उनका महत्व है कि सभी लोग आज यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति खो दिया जो हर वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहते थे, हर वर्ग के लिए हमेशा उन्होंने बहुत किया। किसी भी वर्ग में नहीं, सिर्फ ड्यूटी नहीं, घर में और इसी को करते करते वो अंत में पॉजिटिव हुए और उसके बाद रिकवर नहीं कर पाए और 15 तारीख को उनके तहत। जिस तरह से
विभाग के जो सहयोगी उनके थे, आज जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है, विभाग का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। विभाग ने इतना इस चीज़ को इनिशिएटिवली लिया और इस चीज़ को सोचा कि उनके विभाग का कोई कर्मचारी अगर इस वजह से गया है, तो उन्होंने बड़ी संवेदना व्यक्त करते हुए मुझे सांत्वना दी और कहा है कि वो हमेशा, अभी नहीं, हमेशा भी मेरे साथ मोरली सपोर्ट करते रहेंगे। और एक सहायता राशि आज सभी विभाग वालों ने मुझे दी है, ये मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और भविष्य में, मेरे भविष्य के लिए भी इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है तो वो सदा मेरा सहायता करेंगे, मोरल सपोर्ट देंगे और हर तरह के कार्य में मेरा सहयोग करेंगे। विभाग के जो मंत्री जी हैं प्रताप सिंह जी, उनका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही जो विभाग के अनूप चौधरी जी हैं जो अध्यक्ष हैं यूनियन के, उन्होंने और यहाँ के RTO साहब ने, प्रकाश सिंह जी, बेरवा साहब चित्तौड़ के RTO, इन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है इसको। और ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी हैं महेंद्र सिंह जी खींची, उनका एक मुझे बेटी के जैसे उन्होंने मुझे सहयोग किया है। एक उनको व्यक्तिगत खेद है इस चीज़ का और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने और यहाँ के अधिकारियों ने, प्रकाश सिंह जी ने इसको व्यक्तिगत मामला लेते हुए हर तरह से मुझे सहयोग किया है। और सिर्फ मोरल सपोर्ट नहीं, एक राशि भी मुझे दी है, उस राशि के लिए उन्होंने मुझे कहा है, ये राशि चाहे इतना नहीं है मगर उन्होंने मुझे सांत्वना इतनी दी है कि भविष्य में भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो वो मुझे हमेशा सहयोग करेंगे। DTO मैडम है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो उन्होंने भी अभी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले, मुझे एक बहन के जैसे सांत्वना दी और कहा कभी भी भविष्य में भी कोई ज़रूरत होगी, वैसे मुझे इसी ऑफिस में उन्होंने पोस्ट देने के लिए कहा है कि उदयपुर में ही मेरी पोस्टिंग करवा देंगे। और उनमें इस ऑफिस में महिलाओं का काफ़ी है तो वो मुझे हर तरह से अपना सहयोग देंगे, महिला होने के नाते भी, एक अधिकारी होने के नाते। तथा सभी कार्मिकों से उनका स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्वक था। वे हमारे कॉलेज के साथी भी रह चुके हैं। RPNS द्वारा सभी साथियों, निरीक्षकों, परम निरीक्षकों ने इस दुखद समय में उनके परिवारजन हेतु 10,11,000 एकत्रित किए, जिसकी राशि चेक द्वारा माननीय मंत्री जी महोदय एवं RTO साहब एवं RPNS के अध्यक्ष अनुप जी तथा उदयपुर चित्तौड़ क्षेत्र के परिवहन कृषि के निरीक्षकों द्वारा आज सर्किट हाउस में मंत्री जी की उपस्थिति में एवं उनके परिवारजनों को भेंट किया गया। देखो महाराणा प्रताप की हमारे मंत्री महोदय साथी अभी अभियान निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनके कोरोना के दौरान उनके कोरोना के जंग लड़ते हुए उनकी डेथ हो गई थी और वो सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी कार्य करते हुए कोरोना से पीड़ित हुए थे और हॉस्पिटल में करीब 10 से 12 दिन उन्होंने संघर्ष किया है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, जो इस पर मंजूर था वो चीज़ हुई। उसके बाद हमने हमारी तरफ जो राजस्थान परिवहन से संघ है, जो पूरे राजस्थान का हमारे एसोसिएशन है, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके द्वारा हमने अपने सभी साथियों से आह्वान किया है कि इनके परिवार को, इनके पर साथी को उनकी मदद दी जाए फाइनेंशियल तौर पर। तो हमने सभी साथियों से आह्वान किया, उसके अंतर्गत आज हमने 10,11,000 रुपये का चेक हमने मंत्री महोदय के द्वारा अरविंद निर्वाल जी उनकी पत्नी को हमने ये यहाँ पे आपके आपके समक्ष उनको दिलाया गया। इसके साथ साथ हम सरकार के, एक सरकार की बड़ी विवंता है कि परिवहन निरीक्षक जो कि इस कोरोना, चाहे इस कोरोना की पहली लहर चाहे दूसरी लहर, दोनों लहर के अंदर फ्रंट वॉरियर्स के रूप में कार्य किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा ऑक्सीजन के टैंकर लाना है, चाहे और उसके ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी, वाहनों की व्यवस्था करनी है, चाहे उन बसों की व्यवस्था करनी, जो भी लोग आ रहे हैं उनको भेजना करना है। लेकिन सरकार ने हमें फ्रंट वॉरियर्स भी माना है। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे साथी की डेथ होने पर 50,00,000 जो सरकार की तरफ से जो मिलनी चाहिए सहयोग राशि वो नहीं मिल पा रही है। तो हम सरकार से और मंत्री महोदय के माध्यम से ये इनसे निवेदन करते हैं कि इनके परिवार को आने वाले समय के अंदर हमें फ्रंट वॉरियर्स मानते हुए और अरविंद निर्वाल जी के इनकी पत्नी को 50,00,000 की सरकार की राशि है वो दी जानी चाहिए। और हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपावा नहीं है, सरकार से भी, और क्योंकि जिस ढंग से हमने कार्य किया कोरोना वायरस मानते हुए और इस ढंग से किया, तो इसलिए हमारे आप लोगों के इस जो आज ये लोकतंत्र का एक तीसरा पहलू है आपका जो मीडिया, हम मीडिया के बंदों से भी आग्रह करते हैं कि आप भी अपने इस प्रकाश करें ताकि सरकार हमारी बात को सुने
और आने वाले समय में हमारे साथी को 50 लाख।